पता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो रिएक्टेंट का कुछ पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अभी हम बोलेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका रेट क्या रहेगा, वो किस रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेट ऑफ रिएक्शन। एंड उसके रिलेटेड जो भी फैक्टर है, एंड उसके रिलेटेड जो भी फैक्टर है, अभी जो भी हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे एट नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन करेंगे। व्हाट इज माय इक्विलिब्रियम? कि रिएक्टर प्रोडक्ट में जा रहा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जा रहा, बट केमिकल काइनेटिक्स हम एट नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लिखेंगे। कहां पे देखेंगे? एट नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या देखना है? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में देखना है कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कितने टाइम में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सब हमें डील करना है केमिकल काइनेटिक्स में। ये सब हमें किस में डील करना है? यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में। तो केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या रहेगी? वन मिनट रुक जाना, एक मिनट। चलो राइट डाउन, लिखो। केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन। राइट डाउन, केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन and their factor at non-equilibrium condition. कौन सी condition? At non-equilibrium condition. तो अभी हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? आपको पता है कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, कितने टाइम में चेंज हो रहा है? एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में अगर चेंज हो रहा है, वो कितने टाइम में चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ रेट ऑफ रिएक्शन। उसको क्या कहोगे? रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे आप वेलोसिटी की बात करते हो, वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी मतलब क्या है? चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं यहां पे रेट की बात करूं, तो रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या लिखोगे? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका रिएक्टेंट हो सकता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी हो जाए। मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की बात कर रही हूं, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। कौन से टाइम है? यहां पे पर यूनिट टाइम। This is called as rate of reaction. उसी को बोलते हम rate of reaction. Change in concentration of reactant or product per unit time is nothing but rate of reaction. Reactant product में जा रहा है या product reactant में जा रहा है, कितने time में जाएगा,
दैट इज कॉल्ड एज अ रेट ऑफ रिएक्शन, उसी को आप बोलते हो रेट ऑफ रिएक्शन। अभी मुझे अगर इसके यूनिट की बात करनी है, किसकी बात करनी है, यूनिट की बात करनी है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ले रहे हो किसमें लोगे, मोल पर लीटर में। जब भी कॉन्सेंट्रेशन की बात करोगे मोल पर लीटर में बात करोगे, और टाइम किसमें आप लोग यहाँ पे सेकंड में ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे यूनिट बनेगा मोल, यहाँ पे लीटर इनवर्स, और यहाँ पे क्या होगा सेकंड इनवर्स। यूनिट क्या बन गया, मोल लीटर इनवर्स और यहाँ पे सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यूनिट क्या रहा, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। अभी मोल पर लीटर इनवर्स को आप मोलैरिटी भी कहोगे, और यहाँ पे क्या होगा सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से यूनिट लिख सकते हो इसका। अभी आप देखो कि रिएक्टेंट है और मैंने कहा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इस तरह से, इस तरह से देखेंगे यहाँ पे रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पे T इज इक्वल टू जीरो, मतलब एट इनिशियल जैसे हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे हमारे पास रिएक्टेंट ज्यादा है प्रोडक्ट नहीं है। मतलब मैंने कहा कि रिएक्टेंट का कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट है मतलब क्या, रिएक्टेंट का कुछ कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो मैं मान लेती हूँ इसका कॉन्सेंट्रेशन सी है, हम मान लेते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है सी है, और यहां पे प्रोडक्ट अभी तक बना नहीं है, प्रोडक्ट अभी तक फॉर्म नहीं हुआ, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा जीरो होगा। अगर मैं कोई भी टाइम टी ले रही हूं, अगर मैं कोई भी टाइम टी ले रही हूं, तो यहां पे इसका कॉन्सेंट्रेशन सी वन हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया सी वन हो गया, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन मतलब अभी तो प्रोडक्ट भी फॉर्म हुआ ना, अभी क्या फॉर्म हुआ प्रोडक्ट भी फॉर्म हुआ, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया सी टू हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यूनिट क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में, और यहाँ पे टाइम सेकंड में ले रहे हो, तो मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स हो गया। तो यहाँ पे मैंने कहा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारे पास इनिशियली रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, प्रोडक्ट तो जीरो होगा क्योंकि अभी तक प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सी है और इसका जीरो है। यहाँ पे एट एनी टाइम टी पे क्या होगा सी वन किस में कन्वर्ट हो जाएगा सी टू में, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है यहाँ पे। तो अगर मुझे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, क्या निकालना है मुझे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ किसका निकालना है, रिएक्टेंट का, क्या निकालना है मुझे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट। तो कैसे लिखूंगी मैं यहां पे मैं लिखूंगी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका, रिएक्टेंट का, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहां पे क्या आ जाएगा पर यूनिट टाइम। क्या ये बात समझ में आ रही है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यहाँ पे आ जाएगा पर यूनिट टाइम। अभी मुझे बताओ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, सी वन से सी मतलब सी वन माइनस सी होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सी वन माइनस सी हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना होगा टी होगा। अभी मुझे बताओ यहाँ पे कि जो C1 माइनस C है, C1 क्या होगा कम होगा ना, C1 क्या होगा कम होगा यहाँ पे, मतलब धीरे धीरे ये C1 में कन्वर्ट हो गया, तो C1 यहाँ पे कम होगा और माइनस C हो जाएगा, मतलब ओवरऑल ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये किस में आएगी, निगेटिव में आएगी, यहाँ पे C1 माइनस C कर रहे हो तो इसका जो चेंज आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, निगेटिव में आएगी। तो हमेशा याद रखना अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट सॉरी इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिख रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिख रहे हो, तो हमेशा जो चेंज आएगा वो निगेटिव में आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि धीरे धीरे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है, धीरे धीरे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है,
तो अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट निकालनी है तो कॉन्सेंट्रेशन निगेटिव में जाएगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस किसका रिएक्टेंट का. अगर मैं यहां पे लिखू चलेगा यहां पे ठीक है. अगर मैंने लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ किसका लिखा है यहां पे प्रोडक्ट का. किसका लिख रही हूं यहां पे प्रोडक्ट का. क्या लिखोगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. यही लिखा मैंने पर यूनिट टाइम. तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा C2-0 होगा. यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है C2-0/T ठीक है. C2- कितना हो रहा है 0/T. अभी किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा. अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगी. ये वैल्यू किस में आएगी हमेशा पॉजिटिव में आएगी. क्या बात समझ में आ रही है. अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट ले रही हूं तो ये हमेशा निगेटिव में जाएगा. अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ले रही हूं तो हमेशा पॉजिटिव में जाएगा. वो हमेशा किस में जाएगा पॉजिटिव में जाएगा. क्लियर है. नोट करो रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आया. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या तो प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. किसमें लिया हमने पर यूनिट टाइम में बात कर रहे हैं. चलो क्लियर है यहां तक. किसी को डाउट है. अभी जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं दो तरह के होते हैं. एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. चलो रफ कर दू. निगेटिव किसके लिए है रिएक्टेंट के लिए. प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है. रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है. चलो कर लो. अभी जो रेट ऑफ रिएक्शन है दो तरह के होते हैं. पहला होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. व्हाट इज मीन बाय एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर एक टाइम इंटरवल दिया है आपको T1 से T2 एक टाइम इंटरवल दिया है और उसमें एक प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन C1 से C2 जा रहा है. कॉन्सेंट्रेशन C से और टाइम T से. अगर एक रेट मेजर्ड कर रहे हैं अगर हम रेट मेजर्ड कर रहे हैं ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल. क्या करेंगे यहां पे रेट मेजर्ड दी रेट मेजर्ड ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल. ओवर अ टाइम इंटरवल द रेट मेजर्ड ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल. एक टाइम इंटरवल में जो आप रेट मेजर्ड करोगे दिस इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन एक T1 से T2 में जा रही है. एक T1 टाइम से T2 टाइम में जा रही है तो उसमें कितना रेट आपने मेजर्ड किया है दैट इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. देखो रिएक्शन C1 से कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है C2. C1 से कॉन्सेंट्रेशन कितना जा रहा है C2 जा रहा है. एट टाइम T1 से कितना जा रहा है T2 जा रहा है. मतलब एक टाइम इंटरवल है उसमें हमें क्या निकालना है रेट मेजर्ड करना है. तो यहां पे देखो R मतलब रेट ऑफ रिएक्शन. कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन है एवरेज. तो R एवरेज को कैसे लिखोगे. R एवरेज को लिखते हो ΔC/ΔT रेट मेजर्ड ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल. ΔC/ΔT
यहां पे एक पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। अभी मैंने पॉजिटिव और निगेटिव क्यों लिखा है, पॉजिटिव अगर प्रोडक्ट आता है तो पॉजिटिव, अगर हमें रिएक्टेंट के लिए लिखना है आर एवरेज तो वो क्या रहेगा, निगेटिव। क्या ये बात समझ में आ रही है, पॉजिटिव और निगेटिव वाली बात, कंफ्यूज नहीं होना है। आर एवरेज इज इक्वल टू, ये दोनों के लिए, रिएक्टेंट के लिए भी प्रोडक्ट के लिए भी, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, डेल सी बाय डेल्टा टी। अभी देखो अगर मुझे अलग अलग निकालना है, किसके लिए निकालना है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे फॉर रिएक्टेंट के लिए, किसके लिए, फॉर रिएक्टेंट के लिए, तो फॉर रिएक्टेंट के लिए आर एवरेज कितना हो जाएगा, फॉर रिएक्टेंट के लिए आर एवरेज होगा माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे कितना होगा, डेल्टा सी मतलब सी टू माइनस सी वन, यहाँ पे टी टू माइनस कितना हो जाएगा, टी वन, यही तो बात है ना, सी टू माइनस सी वन बाय टी टू माइनस टी वन। यहाँ पे कंसिडर कर देना कि जो सी टू है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा एज कंपेयर टू सी वन, तो सी टू का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है यहाँ पे और सी वन का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा यहाँ पे, यही तो हम मानेंगे। अगर मैं यहाँ पे फॉर प्रोडक्ट की बात करूं, किसके लिए, फॉर प्रोडक्ट के लिए, तो फॉर प्रोडक्ट के लिए आर एवरेज कैसे लिखोगे, प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, क्या लिखोगे, प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। यहाँ पे भी क्या होगा, सी टू माइनस सी वन डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन, बट यहाँ पे सी टू का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सी वन। अगर C2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आ रही है। C2 का वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू किस में आ रही है, निगेटिव में। तो आप देख पा रहे कंडीशन, आप दोनों के कि मैम दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे C2 लेस देन C1 है, यहाँ पे C2 इज ग्रेटर देन C1 है, तो दोनों का सेम नहीं रहेगा, दोनों सेम नहीं है। तो दिस इज अ रेट मेजर्ड ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल, या क्या है, रेट मेजर्ड किया है कहां पे, ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल, एंड दिस इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको आप क्या बोलते हो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अभी देखो हम इसको ग्राफ से देखते हैं, ध्यान दो, लिखने के लिए टाइम मिल जाएगा, डोंट वरी। अभी मैं यहां पर ग्राफ निकाल रही कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। अभी आपको पता है कि पहले मेरे पास रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा रहेगा और प्रोडक्ट तो जीरो है, तो रिएक्टेंट ज्यादा है तो पहला मैं ग्राफ निकालूंगी रिएक्टेंट के लिए, पहला ग्राफ रिएक्टेंट देखो ज्यादा था फिर धीरे धीरे कम होते आया हुआ है। उसके बाद मैं प्रोडक्ट का क्या निकालूंगी, यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से निकाल लेती इस तरह से, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट तो जीरो था हमारे पास, क्या प्रोडक्ट कुछ फॉर्म हुआ था, नहीं प्रोडक्ट जीरो था, तो जीरो से धीरे धीरे प्रोडक्ट तो बढ़ गया इस तरह से, मतलब ये जो कर हुआ वो रिएक्टेंट के लिए है और ये कर किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। क्या समझ में आ रहा है ये बात, पहले इतना नोट कर लो फिर हम दूसरे ग्राफ निकालते हैं, पहले इतना नोट कर लो। रेट मेजर्ड ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एक टाइम इंटरवल में जो रेट मेजर्ड होता है उसी को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सी वन से कॉन्सेंट्रेशन कितना जा रहा है, सी टू, कितने टाइम में, टी वन से टी टू में, कैसे मेजर्ड हो, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, प्लस माइनस क्यू लिखा है, कर्व ही क्यू, क्योंकि ये कम होते होते आ रहा है, ये कम होते आ रहा है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं लेना है हमें यहाँ पे, धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होते आ रहा है इसीलिए। ऊपर का रफ करते थोड़ा सा, अभी एक ग्राफ निकाल के दिखाते हैं मैं आपको, एक तो रिएक्टेंट के लिए निकालते हैं या तो प्रोडक्ट के लिए, एक कोई भी मैं निकालती हूँ बाकी आप लोग निकालोगे। देखो ये ग्राफ समझ में आया, अभी मैं रिएक्टेंट के लिए ग्राफ निकाल दे, किसके लिए निकाल रहे, रिएक्टेंट के लिए। देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे टाइम लिया हुआ है, किसके लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे फॉर फॉर रिएक्टेंट के लिए, किसके लिए निकाल रहे हैं, फॉर रिएक्टेंट के लिए। अभी रिएक्टेंट का काम है कि धीरे धीरे ज्यादा होगा धीरे धीरे कम होते आएगा इस तरह से, ठीक है, कम होते जा रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा और थोड़ा
ठीक है। अभी आप देखो कि रेट मेजर्ड ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल, और मैंने मान लिया कि ये एक टाइम है और एक दूसरा टाइम है यहाँ पे, मतलब एक क्या रहेगा यहाँ पे, T1 रहेगा, ये वाला है एक T1, ये वाला रेट मेजर कर रहे T1 और दूसरा ये T2। तो यहाँ पे हम रेट मेजर्ड कर रहे हैं ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल। इसके देखो, इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या होगा, C1 होगा, क्या बात समझ में आ रही है, T2 होगा, C2, T2 के करस्पॉन्डिंग C2 और T1 के करस्पॉन्डिंग क्या हुआ, C1 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि R एवरेज इज इक्वल टू C1 ज्यादा है, C2 कम है, दिखाई दे रहा है, ग्राफ से भी समझ में आ रहा है कि C2 की वैल्यू कम आ रही है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, C2 माइनस C1 हो रहा है, यहाँ पे भी देखो T2 माइनस क्या हो रहा है, T1 हो रहा है, C2 की वैल्यू C1 से कम है, तो मतलब ग्राफ से भी हमें समझ में आ रहा है कि ये जो वैल्यू आ रही है किसमें आ रही है, निगेटिव में आ रही है, जो भी वैल्यू आपको मिल रही है वो किसमें जा रही है, निगेटिव में जा रही है, क्लियर हुआ है। इसी तरह से प्रोडक्ट का भी ग्राफ निकालो, कोई भी दो पॉइंट ले लो और उसी के पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट मेजर ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल दिया है उसके बीच में जो रेट मेजर्ड हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, उसको क्या कहोगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सेम ग्राफ आप प्रोडक्ट के लिए भी निकाल सकते हो। साक्षी मैंने क्या कहा, मैंने ये ग्राफ, चलो ये पूरा रफ कर देती हूं पहले, ये ग्राफ किसके वर्सेस लिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, और मैंने कहा रेट मेजर्ड कर रहे हैं एक गिवन टाइम इंटरवल में, तो मैंने एक टाइम इंटरवल ले लिया, ये T1 ले लिया और यहां पे T2, तो ये बीच वाला क्या हो गया, हमारा टाइम इंटरवल हो गया, T2 के करस्पॉन्डिंग C2 आएगा कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे T1 के करस्पॉन्डिंग C1 आएगा। तो मैं यहां से देख पा रही हूँ, इस ग्राफ से देख पा रही हूँ कि R एवरेज क्या हो रहा है, C2 की वैल्यू कम है, C2 की वैल्यू कम दिखाई दे रही है एज कंपेयर टू C1, तो मैंने C2 माइनस C1 लिखा, ये क्या होगा T2 माइनस T1 होगा, तो C2 की वैल्यू कम होगी तो ये किसमें आएगा बेटा, निगेटिव में आएगा, ये किसमें आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, क्लियर है साक्षी, एक टाइम इंटरवल में। अच्छा प्रोडक्ट के लिए भी निकाल लो, रफ कर दो अभी, ये सब समझ में आया ग्राफ से, ग्राफ से भी हमें दिखाई दे रही कि वैल्यू निगेटिव में जा रही है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट ऑलवेज निगेटिव, हमेशा निगेटिव रहेगा। सेकेंड इज इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, राइट द रेट मेजर, द रेट मेजर एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक इंस्टेंट पे जो रेट मेजर्ड हो रहा है, अभी टाइम इंटरवल में नहीं हो रहा है कि T1 से T2 टाइम जाएगा उसके बीच में कितना रेट आ रहा है, वैसे नहीं, अभी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट मेजर्ड हो रहा है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट मेजर्ड हो रहा है, तो रेट मेजर्ड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस, इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब देखो R instantaneous rate of reaction is equal to, यहां पे आप लिमिट के फॉर्म में भी लिख सकते हो कि लिमिट T raised to 0, यहां पे ये हो जाएगा डेल्टा C by डेल्टा T, ये भी आप लिख सकते हो पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, या तो सिंपल लिखो कि R instantaneous is small change in concentration, मतलब DC मतलब small change in concentration over स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, DC/dt, इस पे भी प्लस और माइनस आएगा, इस पे भी प्लस और माइनस आएगा, क्या कहा मैंने कि स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ओवर स्मॉल
चेंज चेंज ऑफ ओवर स्मॉल चेंज ऑफ टाइम. स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ओवर स्मॉल चेंज ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस. एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखो ग्राफ. अगर मैंने यहां पे निकाला हुआ है वही निकालते कॉन्सेंट्रेशन और यहां पे लिया है टाइम. यहां पे क्या लिया है कॉन्सेंट्रेशन और यहां पे है टाइम. किसके लिए निकालू रिएक्टेंट के लिए निकालू. सॉरी टी लिख लो. सॉरी यहां पे रिएक्टेंट के लिए ग्राफ ले. रिएक्टेंट क्या है पहले ज्यादा होता है फिर धीरे 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 कम होते आएगा. ठीक है रिएक्शन कैसे करनी है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे. तो मैंने एक ये वाला ले लिया एक पॉइंट ये ले लिया. ठीक है देखो मैंने अभी टाइम इंटरवल नहीं लिया हुआ है. टाइम इंटरवल किसमें एवरेज में. यहां पे मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया और उसमें मैं निकालनी हूं तो इसमें एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना इस तरह से. देखो रेट मेजर्ड एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो ये क्या होगा ये आपका एक टाइम होगा. ये आपका एक होगा टाइम. तो यहां पे आप देख रहे हो कि आर इंस्टेंटेनियस किसका डीसी बाय डीटी और इसका जो स्लोप आएगा यहां पे जो स्लोप आएगा जो निगेटिव में आपको दिखाई दे रहा है यहां पे जो स्लोप आएगा अगर वो निगेटिव में है ऑब्वियसली निगेटिव है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन निगेटिव में तो जा रही है. रेट ऑफ रिएक्शन कैसे जा रही है निगेटिव में. अगर आप दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो प्रोडक्ट के लिए कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे टाइम. प्रोडक्ट का ग्राफ कैसे होगा कुछ इस तरह से बढ़ेगा यहाँ पे. ठीक है इस तरह से जाएगा. तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं यहाँ पे अगर मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो यहां पे जो ही आ रहा है स्लोप किसमें आ रहा है यहां पे स्लोप पॉजिटिव आ रहा है और यहां पे आप स्लोप देख रहे हो यहां पे स्लोप किसमें आ रहा है निगेटिव में आ रहा है. समझ में आ रही बात. मतलब हम ग्राफ से भी समझ आ सकते हैं हम ग्राफ से भी देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव आ रही वैल्यू या निगेटिव आ रही है. इसका टेंजेंट का जो स्लोप रहता है टैन थीटा. ठीक है तो वहां पे निगेटिव आता है ये किसके लिए रिएक्टेंट के लिए. देखो कम होते आ रहा है ये बढ़ रहा है मतलब ये किसके लिए प्रोडक्ट के लिए. तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हो रही है पहली रिएक्शन एवरेज में हो रही थी गिवन टाइम इंटरवल में हो रही थी. यहां पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में रिएक्शन होगी किस पे हो रही है पर्टिकुलर इंस्टेंट पे. क्लियर है यहां तक. किसी को प्रॉब्लम है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. दो तरह के रेट ऑफ रिएक्शन हो गए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. एवरेज में रेट मेजर्ड ओवर अ टाइम इंटरवल और यहां पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे. चलो आगे बढ़े. हाँ दूसरा वाला ये स्लोप पॉजिटिव आ रहा है ना भाई ये स्लोप पॉजिटिव आ रहा है अब है इसलिए वो पॉजिटिव जाएगा ना. प्रोडक्ट हमेशा बन रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा. कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा मतलब पॉजिटिव. क्लियर हुआ है अभय अभिजीत आलोक क्लियर हो रहा है बेटा. कोई डाउट है यहां तक क्योंकि बहुत बेसिक है ये इसीलिए. चलो ओके नेक्स्ट डालो. अभी यहां से देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी. अभी जो मैं पढ़ाने जा रही हूं ध्यान दो. अगर वो नहीं समझा तो मुझे दो चार बार पूछना है लेकिन उसको याद रखना है. रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टोकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टोकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन. अभी कैसे करना है रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया एवरेज रेट पढ़ लिया इंस्टेंटेनियस पढ़ लिया हमने.
अब यहां पे मैं एक रिएक्शन लिख रही हूं, देखो N1A प्लस N2B इट गिव्स N3C N4D. एक एक टर्म समझ लो, N1, N2, N3, N4 स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, N1 की जगह में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है. तो N1, N2, N3, N4 स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. A और B रिएक्टेंट है, A और B क्या है, रिएक्टेंट है, एंड C एंड D क्या है, प्रोडक्ट है. A और B रिएक्टेंट है, C एंड D क्या रहेंगे, यहां पे प्रोडक्ट रहेंगे. अभी देखो इस रिएक्शन के लिए, ऐसी कोई आपको रिएक्शन दी है और इस रिएक्शन के लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है. इस रिएक्शन के लिए क्या निकालना है आपको, रेट ऑफ रिएक्शन. देखो मैं कैसे लिख रही हूं रेट ऑफ रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है. अभी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा बढ़ता है. तो यहां पे मैं पहले रिएक्टेंट के लिए लिखूंगी, पहले किसके लिए लिख रही हूं, रिएक्टेंट के लिए. देखो माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि मैं रिएक्टेंट का लिख रही हूं. जो भी स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको लिखना है 1/N1. क्या ये बात समझ में आई है, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाना है, जो भी स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है माइनस 1/N1 लिखा. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, किसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ टाइम, मतलब dt. यहां तक बात समझ में आई, किसी को डाउट है बोल दो. माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट है. जो भी स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको 1/ स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब N1. किसका कॉन्सेंट्रेशन, dA/dt, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ टाइम इज इक्वल टू ठीक है. यहां पे N2 है, ये भी रिएक्टेंट है इसलिए माइनस, ये भी बी भी रिएक्टेंट है ना माइनस, 1/ क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा, N2. किसका कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, dB/dt. किसका कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे, dB/dt. क्लियर, इज इक्वल टू. अभी ये सी और डी क्या है, प्रोडक्ट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ रहा है मतलब वो पॉजिटिव में जाएगा, तो प्लस यहाँ पे 1/ क्या होगा, N3, 1/N3. और यहाँ पे क्या लिखोगे, dC/dt. यहाँ पे क्या लिखोगे, dC/dt इज इक्वल टू अगेन पॉजिटिव क्योंकि ये प्रोडक्ट है, 1/ क्या हो जाएगा, N4. और यहाँ पे dD मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी पर यूनिट टाइम. क्या ये बात समझ में आई है, रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो अभी, क्या आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो. नेगेटिव क्यों लिखा है समझ में आया है, पॉजिटिव क्यों लिखा है, पॉजिटिव किसके लिए लिखा है मैंने, प्रोडक्ट के लिए. नेगेटिव किसके लिए लिखा है, रिएक्टेंट के लिए. जो भी स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे यहाँ पे डिवाइडर लेके आना. चलो एक बार समझ लो, नहीं समझ में आया तो देखो एक बार, खुद लिखो बिना देखे. ये जनरल रिएक्शन है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन आएगी उसके लिए आपको रेट लॉ लिखना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन. चलो आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है सबको, पवन क्लियर है बेटा, साक्षी. देखो नीट और जेई में ग्राफ पूछ सकते हैं, कोई भी एक ग्राफ दिया जाएगा उसके रिगार्डिंग पूछा जाएगा. अभी इस चैप्टर में ग्राफ भी बहुत आएंगे, ध्यान देना हर ग्राफ की तरफ, इसमें ग्राफ भी बहुत आने वाले चैप्टर में, तो ग्राफ की तरफ भी ध्यान देना. अभी बहुत से क्वेश्चन ग्राफ पे पूछे जाते हैं. बोलो बेटे साक्षी क्या हुआ, नहीं समझ में आया कुछ, चलो आगे बढ़ू मैं. मोर देन टू रिएक्टेंट ना, तो उसको इक्वल टू करते जाना ना. अगर मोर देन टू इससे भी होगा, अगर यहाँ पे कोई N5 होगा तो -1/N5 जो भी होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू करते जाना, इक्वल टू करते जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके
अभी देखो ये मैंने लिख लिया, ये सबको समझ में आ गया, क्लियर है। अभी देखो मैं अलग अलग टर्म्स लिख रही हूं, मैंने एक टर्म्स लिखी है माइनस वन बाय एन वन डी ए बाय डी टी, क्या लिखा डी ए बाय डी टी। दूसरी मैंने टर्म्स लिखी है यहां पे माइनस डी ए बाय डी टी, और एक टर्म्स में लिखूंगी यहां पे प्लस डी सी बाय डी टी। देखो ये टर्म्स लिखे मैंने तीन, इन तीनों के मीनिंग समझ लो। अभी अभी यहां पे देखो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखा है दोनों में, यहां पे मैंने स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा है। जहां पे भी आपको स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिखाई दे, जहां पे भी आपको स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिखाई दे उसको आप नाम दोगे रेट ऑफ रिएक्शन, उसी को आप बोलोगे रेट ऑफ रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आई है? जहां पे स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख के आपको दिख रहा है वहां पे आप बोलोगे रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलोगे यहाँ पे? रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन आपको अगर माइनस डी ए माइनस साइन दिखाई दे रहा है और वहां पे कहीं पे भी स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं दिखाई दे रहा है तो यहां पे आप बोलते हो दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्या बोलोगे? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या कंजम्पशन ऑफ ए, या इसी को बोलोगे कंजम्पशन ऑफ किसका? ए का। मतलब अगर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है कि ए क्या हो रहा है? डिसअपीयर हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन में, उसका जो रेट लिखा हमने माइनस डी ए बाय डी टी, इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं कहेंगे, इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं कहेंगे। दिस इज अ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, ये हमें बता रहा है कितना रेट से डिसअपीयर होता है, कितना कंजम्पशन हो रहा है। अभी यहां पे अगर आपको पॉजिटिव साइन दिखाई दे, अगर आपको पॉजिटिव साइन दिखाई दे तो इसको क्या कहोगे? दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ अपीयरेंस। इसको क्या कहोगे? दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ अपीयरेंस, या आप उसको बोलोगे फॉर्मेशन ऑफ सी। क्या रेट से फॉर्म हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ सी। इसको भी रेट लॉ नहीं कहोगे, जब तक स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आता है उसको रेट लॉ नहीं कहोगे। तो यहां पे दिस इज अ रेट ऑफ डिसअपीयर, क्यों? माइनस है, ये धीरे धीरे डिसअपीयर होगा, धीरे धीरे रिएक्शन में कंज्यूम होगा। प्लस डी सी बाय डी टी, क्यों? ये फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है किसका? सी का, या अपीयर हो रहा है। कौन अपीयर हो रहा है? सी अपीयर हो रहा है। तो तीनों का मीनिंग समझ में आया सबको? तीनों का मीनिंग समझ में आया? अलग अलग है, सब एक साथ नहीं है, नहीं तो आप बोलोगे एक ही तो है, डी ए बाय डी टी सब में तो दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। चलो आगे बढ़े, लिख लो, पहले लिख लो फिर आगे बढ़े। ओके साक्षी, साक्षी मैंने क्या कहा? यहां पे मैंने स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा है क्या? कोई भी नहीं। जब मैं स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखूंगी तो उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस। डिसअपीयरेंस कब बोलेंगे? जब निगेटिव, निगेटिव मतलब डिसअपीयर हो रहा है, धीरे धीरे रिएक्टेंट डिसअपीयर हो रहा है, तो रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। जब भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो रेट ऑफ अपीयरेंस बोलो या फॉर्मेशन ऑफ सी बोलो। अब समझ में आया? चलो रब कर दूं। लिख लिया है सबने? अभी चलो एक रिएक्शन देखते हैं, आप मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ उसका। एक सिंपल रिएक्शन लिखते हैं और इसका मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलो, या आप रेट ऑफ रिएक्शन जो भी लिखना है आप लिखो। एन टू थ्री एच टू टू एन एच थ्री। चलो इसके लिए लिखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस सबके लिए, और रेट ऑफ रिएक्शन तीनों लिखना है।
क्या क्या कहा मैंने इस रिएक्शन को, एन टू प्लस थ्री एच टू इट गिव्स टू एन एच थ्री, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन सब लिखना है आपको, जितना लिख सकते हो उतना लिखो। लिखो जल्दी जल्दी, अगर ये क्लियर हो जाए, बेसिक क्लियर हो जाए तो आगे वाला इजी जाएगा, अगर इसमें ही फंस गए तो बस हो गया फिर। चलो कर लिया सबने, किसी को डाउट है बोलो जल्दी से हाँ या ना। चलो करें, ओके चलो देखते हैं इसको। पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। देखो यहां पे कुछ नहीं है मतलब वन है, कुछ नहीं है मतलब वन है ना, तो माइनस आ जाएगा वन बाय वन, तो वन ही हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं। माइनस डी एन टू बाय डी टी, माइनस डी एन टू बाय डी टी, माइनस क्यों लिखा, रिएक्टेंट है, इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री डी एच टू बाय, क्या आ जाएगा यहां पे डी टी, इज इक्वल टू प्लस वन बाय टू डी एन एच थ्री बाय, क्या हो जाएगा यहाँ पे डीटी। क्या लिखा है किसी ने, ऐसा किसी ने लिखा है, गुड लिखा तो है फिर सबने, चलो गुड सबने, कोई ऐसा नहीं कि जिसने नहीं लिखा है, ऐसा ईमानदारी से बता दो कि मैंने नहीं लिखा है, ऐसा कोई नहीं है, चलो ठीक है। अभी यहां पे क्या लिखोगे, माइनस डी एन टू बाय डी टी, इसको क्या कहोगे, रेट ऑफ कंजम्पशन कहो या डिसअपीयरेंस बोलो, तो डिसअपीयरेंस बोलो, कंजम्पशन बोलो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या लिखोगे, एन टू, ठीक है, माइनस डी एच टू, यहां पे मैंने देखो कहा स्टोशियोमेट्रिक कोई कोएफिशिएंट नहीं लिखा, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ किसका है, H2 का है, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा हुआ है, प्लस डी एन एच थ्री बाय डी टी, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन अपीयरेंस जो भी लिखना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका, यहां पे फॉर्मेशन ऑफ एन एच थ्री लिख लिया था, किसी ने नहीं लिखा ऐसा कुछ है, चलो अगर लिख लिया है तो समझ में आ गया मतलब। अच्छा कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन, उसके लिए आपको डिसअपीयरेंस लिखना है, अपीयरेंस लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो आप लिख सकते हो। चलो एक क्वेश्चन दे दो फिर, चलो एक क्या दो दे देती हूँ, आप ट्राई करोगे। या वो अभिषेक राइट डाउन क्वेश्चन, फोर एन एच थ्री प्लस फाइव ओ टू इट गिव्स फोर एन ओ प्लस सिक्स एच टू ओ, एक रिएक्शन दी है आपको ये, ठीक है आपको ये रिएक्शन दी है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
the concentration of NO increases by 1.5 molar in 10 seconds. Then calculate one rate of reaction. Second यहां पर लिखता हूं rate of disappearance of NH3 and O2. Third, rate of appearance of H2O. सही से यहां से निकालना. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनओ इंक्रीजेस बाय 1.5 मोलर इन 10 सेकेंड. रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 एंड O2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O. एक एक करके कैलकुलेट करो. यूनिट का भी ध्यान देना. चलो हो रहा है, किसी का आंसर आया तो बताओ भाई. पहला तो बता दो डिसअपीयरेंस कितना आया वो बता दो. कैसे करना है समझ में आ रहा है? कैसे करना है कुछ समझ में आ रहा है क्या? 0.0 ये किसका आंसर है? ये रेट ऑफ रिएक्शन है नितिन. ओके साक्षी किसका आंसर है? फर्स्ट का आंसर है, रेट ऑफ रिएक्शन इतना आया. नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन तो गलत हो रहा है साक्षी. चलो सॉल्व करते हैं. कैलकुलेशन करना है, मैं प्रोसीजर बताती हूँ उसको कैसे करना है, बाकी कैलकुलेशन आप करोगे. देखो, the concentration of NO increase by 1.5 molar. मतलब आपको क्या दिया हुआ है? Concentration of NO दिया, कितने से increase? 1.5 molar. ठीक है, T कितना दिया हुआ है? 10 second. T कितना दिया हुआ है? 10 second दिया. Good सूरज, good. तो यहां पे DNO by DT कितना होगा? NO 1.5 अपॉन कितना हो जाएगा? 10. 1.5 by 10 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.15. यूनिट क्या रहेगा? मोलर सेकेंड इनवर्स. क्या ये बात समझ में आई? या मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स कर देना. ठीक है,
तो यहां पर हमें ये नहीं पूछा, हमें क्या पूछा है, हमें रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलो पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख देते, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, कैसे लिखोगे, माइनस वन बाय फोर डी एन एच थ्री बाय डी टी, सही है, इज इक्वल टू माइनस वन बाय फाइव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ टू बाय डी टी इज इक्वल टू प्लस वन बाय फोर डी एन ओ बाय डी टी इज इक्वल टू प्लस वन बाय सिक्स, ये हो जाएगा डी एच टू ओ बाय यहां पे डी टी। क्या लिखा था सबने ऐसे, इस रिएक्शन को इस तरह से लिखा था। अभी देखो सब सेम ही है, तो मैं डी एन ओ वाला टर्म्स ले लेती हूँ, ये वाला कितना हो जाएगा, देखो इसको लिया प्लस वन बाय फोर डी एन ओ बाय डी टी, मतलब माइनस वन बाय फोर इंटू डी एन ओ बाय डी टी की वैल्यू कितनी है, पॉइंट वन फाइव, कितना है, पॉइंट वन फाइव है, यहाँ पे सॉरी पॉजिटिव है ना, पॉइंट वन फाइव, तो आंसर कितना आया, 0.0375, गुड, 0.0375, क्लियर हुआ है। रेट ऑफ रिएक्शन किसमें, मोल पर सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। यहां तक बात समझ में आई, पहला समझ में आया रेट ऑफ रिएक्शन, पहला समझ में आया हमें रेट ऑफ रिएक्शन। ऊपर का रब कर दो थोड़ा सा, ये ऊपर वाला रिएक्शन रब कर दो क्योंकि है मेरे पास, चलो रेट ऑफ फॉर्मेशन किसी का आया, रेट ऑफ अपीयरेंस आया एनएच थ्री का, किसी का चलो कैसे करेंगे देखो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ये वाला किसके साथ करोगे, इसके साथ, मतलब माइनस सेकेंड का आंसर माइनस वन बाय फोर डी एन एच थ्री बाय डी टी, डी एन एच थ्री बाय डी टी इज इक्वल टू किसके साथ करोगे, प्लस वन बाय फोर, प्लस वन बाय फोर डी एन ओ बाय डी टी, ठीक है इस तरह से। अभी यहां पे आप देख रहे हो वन बाय फोर कैंसिल हो गया, मतलब वैल्यू किसकी निकालनी है, डी एन एच थ्री बाय डी टी की तो निकालनी है, डिसअपीयरेंस तो यही है ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, तो डी एन एच थ्री बाय डी टी कितना आया, डी एन ओ बाय डी टी, मतलब वैल्यू कितनी है डी एन ओ बाय डी टी की, 0.15, तो ये आ जाएगा 0.15 मोलर सेकंड इनवर्स। आया था किसी का आंसर, किसी का आंसर आया माइनस डी एन एच थ्री बाय डी टी डिसअपीयरेंस, क्या करना था डिसअपीयरेंस। इसी तरह से किसका निकाल लो, ओ टू का निकाल लो, इसी तरह से किसका निकालोगे, ओ टू का कैसे करोगे, यहां पे देखो माइनस वन बाय फाइव डी ओ टू बाय डी टी इज इक्वल टू वन बाय फोर डी एन ओ बाय डी टी। चलो मैं सिर्फ इक्वेशन लिख के दे सकती हूँ, आप लोग ट्राई करोगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ओ टू कैसे, माइनस वन बाय फाइव डी ओ टू बाय डी टी इज इक्वल टू प्लस वन बाय फोर डी एन ओ, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है, तो यहां पे क्या करोगे, यहां पे माइनस डी ओ टू बाय डी टी इज इक्वल टू फाइव बाय फोर डी एन ओ बाय डी टी, फाइव बाय फोर डी एन ओ बाय डी टी, यस यस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, हो सकता है दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर लो, फाइव बाय फोर डी एन ओ बाय डी टी कितना था, 0.15, उसका जो भी आंसर आया वो निकाल लो, इसका जो भी आंसर आता है निकाल लो। यहां तक क्लियर है, कितना आता है 0.1875, ओके सही है ना, 0.1875।
सही में 0.1875 आ रहा है। सूरज एक बार कर, लग तो नहीं रहा है मुझे। और बाकी किसी का आंसर आ रहा है? अभी तो सबने निकलना शुरू कर दिया। चलो ये तो हुआ रेट ऑफ डिस, आंसर निकालो जो भी आपके आंसर आ रहे हैं, मैंने जो लिख के दिए। अभी हमें निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन। किसका निकालना है? ये देखो इसका तो पता ही है कितना है, तो एक निकाल लोगे यहाँ पे प्लस 1/4 यहाँ पे, सॉरी 1/6 डी H2O by dt इज इक्वल टू प्लस 1/4 डी एनओ बाय डी टी। तो यहां पे फॉर्मेशन निकल जाएगा डी एच टू ओ बाय डी टी इज इक्वल टू 6/4 डी एनओ बाय 0.15। तो इसका भी आंसर निकाल लो तो आपका आ जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस। ओके अब 0.225। आपके भरोसे में वैल्यू लिख रही हूं, मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूं। ठीक है, क्लियर हुआ है यहां तक? किसी को डाउट है कैसे किया हमने, क्या किया? किसी को नहीं समझ में ऐसा कुछ है? समझ में आया ना? चलो ठीक है, तो आज इस पे आपके बुक में कुछ क्वेश्चन है सीबीएसई में एनसीईआरटी में, इसके ऊपर, सिर्फ इसके ऊपर है, बाकी कुछ सॉल्व मत करना। तो इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन है प्लीज एनसीईआरटी से उठाओ और सॉल्व करो। ठीक है, अगर उसमें कोई डाउट आता है तो बताओ, तो वो सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो चलो मिलते हैं कल, इसके आगे मिलते हैं। ओके बाय एवरीवन, बाय बाय, चलो बाय। लॉग टेबल का यूज तो साहिल आता है बोर्ड्स के लिए, जेई और नीट के लिए लॉग टेबल की आपको वैल्यू, कुछ वैल्यू है जो लॉग टू लॉग थ्री की वैल्यू याद करना पड़ेगा, तो लॉग टेबल याद रखना, बोर्ड्स में यूज होगा लॉग टेबल। ओके चलो बाय।